मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। अ फोरकास्ट अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन फर्स्ट 7 मंथ इज गिवन बिलो। प्रोडक्ट एक्स और वाई की यूनिट्स क्या क्या सेल्ड करनी है वो पता है। बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर। ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये पूरे साल की है। ओके, इट इज एंटिसिपेटेड दैट देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ ईच एनिमल। फिनिश यूनिट्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी इन स्टॉक। ये अंडरलाइन कर ले। प्रिपेयर अ 6 मंथ प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट। ये टाइपिंग एरर लग रही है मुझे। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ एंडिंग 30th जून एंड अ समराइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। चलिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था आपको प्रोडक्शन के लिए कि अगर मुझे प्रोडक्शन यूनिट्स निकालनी है तो मैं क्या करता हूं, यूनिट सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करता हूं और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करूंगा तो मेरी प्रोडक्शन बजट निकल आएगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि मुझे 6 महीने का बनाना है और वो भी अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ प्रोडक्ट एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। चल यूनिट सोल्ड दे रखी होंगी, बिल्कुल दे रखी है। एक्स की जो यूनिट सोल्ड है 10, 12, 16 10, 12, 16, 20, 24 and 24। ठीक है फ्रेंड्स, जुलाई की 20 है वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि 6 मंथ का चाहिए। ठीक है, ऐड करेंगे हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। तो इसका 50% 6000 8000 10000 12000 24000। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो जो जनवरी का क्लोजिंग है वो फरवरी का क्या बन जाएगा ओपनिंग। एक सेकेंड, ये 12 आया, ये 12 रहेगा और जुलाई में चूंकि हमें यूज नहीं करना है लेकिन हम लेंगे तो जुलाई का था हमारा
20,000 उसका 50% 10,000 अब आप बताइए जनवरी का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा। तो हम ये सोचें इसके लिए मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो यहां पर स्टार लगा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जनवरी ओपनिंग स्टॉक मींस दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या है जनवरी की सेल का 50%, यही तो होगा क्योंकि दिसंबर में हमने जनवरी की सेल का 50% किया होगा। इट मींस इस महीने की जो सेल है उसका 50% आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। अगर गौर से देखें जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो उसी महीने की सेल का 50% है, हर बार देख लीजिए हर महीने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसका प्रोडक्शन निकल आएगा 11,000, 14,000, 18,000, 22,000, 24,000, 22,000, इनका टोटल करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन प्रोडक्ट एक्स का इन 6 मंथ ये देखेंगे तो ये आ जाएगा 111,000 यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्रोडक्ट बाई का तो चुटकियों में हो जाएगा, तो बना ले इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, इस पे पर्पल कलर यूज करता हूं। प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ प्रोडक्ट बाय जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून सेल लिख लें कितनी है, सेल यूनिट 28, 28, 24, 20 28, 28, 24, 20 16, 16, 18, 16, 16 क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा इसका 50% 14,000, 14,000 नहीं ये 14 दूसरा वाला तो 12 रहेगा ना, 12,000 फिर 10,000 बस ये नजर चूकने का खेल हो जाता है, और यहां पर 18,000 का 50% 9,000 लेस करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक तो ये 14,000, 12,000, 10,000, 8,000, 8,000 सेम कॉन्सेप्ट से इसका ओपनिंग स्टॉक निकल आएगा, यूनिट सोल्ड निकल आएंगे 28,000, 26,000 सॉरी यूनिट प्रोड्यूस 22,000, 18,000, 16,000, 17,000 सो टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बाय इन 6 मंथ इनका टोटल कर दें ये आएगा 1,27,000 यूनिट। चलिए तो एक तो हमने प्रोडक्शन बजट बना दिया,
दोनों प्रोडक्ट्स का। अब मुझे चाहिए समराइज प्रोडक्शन कॉस्ट, समराइज कॉस्ट चाहिए मुझे किसकी, समराइज कॉस्ट चाहिए मुझे प्रोडक्शन बजट। ठीक है फ्रेंड्स, तो करते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे इसे। चलिए अब हमारा बनेगा समराइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ। देखिए ये हमारा प्रोडक्ट एक्स है, ये प्रोडक्ट हमारा वाई है और ये टोटल यूनिट्स कितनी है इसकी, 111,000, इसकी 127,000, दोनों का टोटल हो जाएगा 238,000। ठीक है, चलिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 12.5 रुपए से। एक लाख 11,000 इंटू 12.5, 13,87,500, 1,27,000 इंटू इसकी कितनी है, 19 रुपए, 24,13,000, दोनों का टोटल 38,500। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी होगी, डायरेक्ट लेबर थी 4.5 रुपए पर यूनिट एंड 7 रुपए पर यूनिट, 111,000 इंटू 4.5, 4,99,500, 1,27,000 इंटू 7, 8,89,000, 13,88,500। वेरिएबल ओवरहेड्स, इन्होंने बोला था टोटल फैक्ट्री ओवरहेड थे ये 6,60,000 थे, ये 2,20,000 के, तो 1,11,000 इंटू 3 कैसे निकला, 3,33,000, और ये कितना था, 1,27,000 इंटू 4, देखिए 9,60,000 थे, 2,40,000 यूनिट थी, 4 रुपए पर यूनिट का आया, ऐड करेंगे तो ये 8,41,000 हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी आएगी 22,20,000, ये होगी 38,10,000, और इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगी 60,30,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ और वर्किंग रह गई है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट कॉन्सेप्चुअल था, इसलिए करिए आप इसे। गुड डे।